ऑन लिबर्टी बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। अब लिबर्टी से आपको अंदाजा हो गया हो गया होगा कि ये भी कोई लिबर्टी की बात है और फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात वो करेगा इसके अंदर। और अब देखते हैं इसके अंदर वो क्या क्या बात करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है, और इसके अलावा क्या क्या इसमें वो ऑन लिबर्टी में बात करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं उसने इसके अंदर क्या क्या बताया हुआ है। सबसे पहले हु वाज जॉन स्टीवर्ट, इस स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे अभी कि हु वाज जॉन स्टीवर्ट, और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट वर हिज आइडियाज ऑन इंडिविजुअल एंड लिबर्टी, और उसके क्या आइडियाज थे इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में। ठीक है, एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसके बारे में उसके क्या क्या आइडियाज थे। उसके बाद है व्हाट वाज हिज डिफेंस फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। एक तरफ वो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करेगा, दूसरी तरफ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेगा। एंड व्हाई डिड ही फेवर इंडिविजुअलिटी इन सोसाइटी, और उसने एक सोसाइटी के अंदर जो है इंडिविजुअलिटी को क्यों फेवर किया, ये चीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल 1806 टू 1873, प्रोडिजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं वो कौन था। वो प्रोडिजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट था, थर्ड जनरेशन बेंथमाइट था, यानी कि जेरोम बेंथम को वो फॉलो करता था, जिसने यूटिलिटेरियन अप्रोच जो है उसको जो है फॉरवर्ड किया था। उसके बाद कॉन्टेम्पोरेरी ऑफ एलेक्सिस डी टॉकविली, और वो जो है हम असर था किसका, एलेक्सिस डी टॉकविली का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पब्लिक ऑफिशियल, पार्लियामेंट और पब्लिक ऑफिशियल का मेंबर था, मेड फेमस बाय हिज एसे ऑन लिबर्टी, और अपने इस एसे की वजह से, ऑन लिबर्टी जो उसने एसे लिखा था उसकी वजह से वो बहुत मशहूर हो गया था। उसके बाद देखते हैं कि वो लिबर्टी की बात करता है। अब ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी की पे हम देखते हैं कि वो क्या कहता है इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में। ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी में देखते हैं, लिबर्टी इज एब्सोल्युटली इन सो फार एज द इंडिविजुअल इज कंसर्न। लिबर्टी जो है वो इतनी ही इन सो फार है जितना कि एक इंडिविजुअल कंसर्न होता है। द इनवर्ड डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस, आपकी जो इनवर्ड डोमेन है आपके कॉन्शियसनेस की, आपके जमीर की, आप उस एक इंडिविजुअल कितना कंसर्न है अपने इनवर्ड डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ। लिबर्टी ऑफ टेस्ट एंड परस्यूट्स, एक इंसान, एक इंडिविजुअल जो है उसकी क्या है, उसका कंसर्न लिबर्टी ऑफ टेस्ट एंड परस्यूट, कि हमारे परस्यूट्स, हमारा प्लेजर, हमारा टेस्ट, हमारी जो है जैसे कहना चाहिए हमारा मिजाज कैसा है। दूसरी चीज, हमें अब मिजाज में आपकी बहुत चीजें आ जाती हैं, आपकी हैप्पीनेस भी आ जाती है, आपका अपना शख्सी आजादी भी आ जाती है कि आपको हर चीज पिक एंड चूज करने में आजादी होनी चाहिए, और आपको परस्यूट्स एंड प्लेजर की लिबर्टी होनी चाहिए। फिर वो कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कि आपकी फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, यानी कि आप जब आपस में एक दूसरे से एसोसिएट करें, आप मिलें, तो आपको एक फ्रीडम होनी चाहिए। तो वो इस इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करता है। नंबर वन इनवर्ड डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करता है, नंबर टू लिबर्टी ऑफ टेस्ट एंड परस्यूट्स और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की वो बात करता है, और ये वो किस पे बात करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी पे। अब देखते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी के बारे में ये क्या करता है, कहता है द लिमिट ऑफ लिबर्टी इन सोसाइटी इज व्हेन इट इम्पिंजेस अपॉन द लिबर्टी ऑफ अदर्स। वो कहते हैं कि एक लिबर्टी को लिमिट उस वक्त देनी चाहिए एक सोसाइटी के अंदर, बाउंड्री जो है, लिमिट जो है, लिमिट ऑफ लिबर्टी एक सोसाइटी में उस वक्त इम्पोज होनी चाहिए जब वो जो है दूसरों की लिबर्टी को असरअंदाज करे, दूसरों की लिबर्टी को खराब करे। फॉर एग्जाम्पल, हर इंसान, अगर एक इंसान के हाथ में बंदूक थमा दी जाए, ठीक है, और उसको साथ लिबर्टी भी दे दे दी जाए, तो वो क्या करेगा, वो बाकी लोगों को किल कर देगा। ठीक है, तो वो कहता है कि लिमिट ऑफ लिबर्टी जो है सोसाइटी में तब होनी चाहिए कि हर इंसान, यानी कि एक इंसान को इतना भी खुलेआम नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो दूसरों की लाइफ को तबाह करना शुरू हो जाए एक सोसाइटी के अंदर।
That's the only justifiable reason to interfere with an individual's exercise of liberty is to prevent harm to other. और वो कहते हैं कि ये इसलिए justifiable है, justifiable reason ये है कि आप जब interfere करते हैं एक individual की exercise of liberty से तो is to prevent harm to other. क्यों? क्योंकि आप दूसरों को harm होने से बचा रहे हैं, इसलिए आप एक इंसान की लिबर्टी को लिमिट कर देते हैं ताकि वो दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके. जैसे मैंने आपको कहा कि फिर क्या करेंगे, पुलिस जो है उसकी लिबर्टी जो है इस तमाम सोसाइटी की उसको लिमिट कर देगी, और हर इंसान को गन नहीं दी जाएगी, सिर्फ पुलिस के पास ही होगी, तो ये लिमिट होगी ना. उसके बाद देखते हैं देयर इज अ नीड टू रेगुलेट द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम. तो वो कहते हैं कि अब वक्त की जरूरत है कि हम ये एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम जो है इसको रेगुलेट करें, ठीक है, कुछ रूल्स एंड लॉस बनाएं, बाय इंडिविजुअल विस अविस अदर इंडिविजुअल, बाय गवर्नमेंट विस अविस दोज हुम दे गवर्न, ठीक है. और वो क्या है, रेगुलेट करें एक्सरसाइज के इंडिविजुअल विस अविस अदर इंडिविजुअल, इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो हुम दे गवर्न, जिनको वो गवर्न करती है उनके लिए, उनको उनके लिए एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम रेगुलेट करें. फिर सोसाइटी विज़ावेज़ द डिमांड्स मेड ऑन गवर्नमेंट, और एक सोसाइटी जो कि डिमांड करती है ऑन गवर्नमेंट, उसकी उसकी ये जो एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम है इसको रेगुलेट होना चाहिए, यानी कि इसके कुछ रूल्स एंड लॉज होने चाहिए. ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, स्पीच जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हम देखते हैं. अभी तो हमने फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात की, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल की बात की, अब हम लिबर्टी ऑफ स्पीच की बात करने लगे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं. इन डेमोक्रेसीज पब्लिक ओपिनियन ओवर पावर्स ऑल्टरनेटिव आइडियाज. अब एक डेमोक्रेटिक जो आपकी जो भी नेशन होती है, जैसे हम पाकिस्तान को कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है, जो पब्लिक ओपिनियन होती है वो ओवर पावर करती है ऑल्टरनेटिव आइडियाज में. द टेंडेंसी इज फॉर इंडिविजुअल टू बी इनटॉलरेंट ऑफ आइडियाज दैट गो अगेंस्ट द ग्रेन. और टेंडेंसी जो है फॉर इंडिविजुअल वो क्या होती है, टू बी टॉलरेंट ऑफ आइडियाज, तो वो टॉलरेंट ऑफ आइडियाज होती है दैट गो अगेंस्ट द ग्रेन, जो कि गो अगेंस्ट जाती है ग्रेन के. एट टाइम्स पीपल टेक फॉर ग्रांटेड द रेशनल बिहाइंड कन्वेंशनल विजडम, और एट टाइम पीपल जो है वो ग्रांट करते हैं रेशनल बिहाइंड कन्वेंशनल, यानी कि वो जो ट्रेडिशनल विजडम होती है, रेशनल मीन के वो इंटेलेक्ट जो है पीपल टेक फॉर ग्रांटेड द रेशनल, वो इंटेलेक्ट या हम इसको यूं कहेंगे कि वो रीजंस को ट्रेडिशनल विजडम के पीछे छोड़ देते हैं, यानी कि लोगों के लिए उनकी ट्रेडिशन ज्यादा जरूरी होती है एज कंपेयर टू उनकी रीजंस या लॉजिक्स या कुछ भी ऐसे. तो ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे वो क्या कहते हैं कि नो वन इज इनफॉलेबल, कोई भी इनफॉलेबल नहीं है. डिसेंटिंग ओपिनियंस में पोजेस सम ट्रुथ, और ये जो डिसेंटिंग ओपिनियंस होती हैं ये कुछ ट्रुथ्स इसके अंदर होते हैं, यानी कि एक इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, हमें खाली ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करना चाहिए. डिस्कशन एनेबल्स पीपल टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू, और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे को डिस्कस करें, जो कि एनेबल करता है लोगों को टू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रू, ताकि जब लोगों के अंदर डिस्कशन एबिलिटी होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, तो डिस्कशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे व्हाट इज ट्रू, और सही बात को समझ सकेंगे. डिस्कशन अलाउ पीपल टू टेक टू हार्ट व्हाट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू, और ये जो डिस्कशन है ये लोगों को अलाउ करती है टू टेक हार्ट व्हाट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू, और ताकि वो उस चीज को जो है एक्सेप्ट करें जो कि ट्रू है. Mill's criterion of truth is precedent of Karl Popper's criterion of falsifiability. All knowledge is tentative. We only accept as true that which can be and has not been falsified. यानी कि dispute. और तमाम जो knowledge है वो tentative होता है. We only accept. हम सिर्फ उतना accept करते हैं as true that which can be and has not been falsified. जो कि डिस्प्यूटेड नहीं होता या जिसको गलत नहीं कहा जाता, सिर्फ हम उतना जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. सोसाइटीज, अब ऑन इंडिविजुअलिटी के बारे में वो क्या कहता है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लिबर्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा. अब हम ऑन इंडिविजुअलिटी जो इस एसे का थर्ड सेक्शन है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं.
ऑन इंडिविजुअलिटी के बारे में वो क्या कहता है, सोसाइटीज जनरली प्रेफर कन्फॉर्मिटी ओवर इंडिविजुअलिटी, कन्फॉर्मिटी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, कन्फॉर्मिटी रिफ्लेक्ट्स द प्रेफरेंस ऑफ द मेजोरिटी, दैट कस्टम्स ट्रेडिशंस आर इम्पोर्टेंट टू प्रमोट कन्फॉर्मिटी, और इसलिए कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो है वो इम्पोर्टेंट है ताकि आप कन्फॉर्मिटी को या इम्पोर्ट कर सकें. फिर वो कहता है इट इज मैन्स नेचर टू बी फ्री एंड एक्सप्रेस हिज इंडिविजुअलिटी, ये इंसान की नेचर है जो कि फ्री है और वो एक्सप्रेस करती है क्या अपनी इंडिविजुअलिटी को. मैन पोजेसेस फैकल्टीज दैट अलाउ हिम टू डिसर्न एंड मेक चॉइसेस, मैन जो है वो पोजेस करता फैकल्टीज को और जो उसको अलाउ करती है ताकि टू डिसर्न एंड मेक चॉइसेस, जो उसको अलाउ करती है कि वो डिसर्न करे और चॉइसेस मेक करे. To deprive man of such choices is to stunt his development. और इंसान जो है इन choices से deprive होने के लिए, भागने के लिए या दूर जाने के लिए is to stunt his development. तो उसको इस development की तरफ stunt होना है ताकि is to harness this individuality property properly. और key क्या है इसकी to harness this, कि आपकी individuality जो है वो properly हो. अब देखते हैं कि मिल दूसरे आइडियाज के बारे में क्या कहता है इस ऐसे का जो फोर्थ सेक्शन है. यूटिलिटी एज द फाइनल आर्बिटर ऑफ एथिकल क्वेश्चन, कि यूटिलिटी जो है वो एक फाइनल आर्बिटर है ऑफ एथिकल क्वेश्चंस का. लिबर्टी एज प्रॉपर टू अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट, लिबर्टी जो है वो एक प्रॉपर है टू अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट. और स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, और स्केप्टिसिज्म जो है टुवर्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एक्सेट्रा. ये आप लोगों की एंड हो गई है.